हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का और ये सब्जेक्ट हमारा साइंस है। चैप्टर नंबर सिक्स है, ये है आपका चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और ऑप्शन बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें करा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, मैंगो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर थ्री, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा डिपेंड ऑन, तो किस पर होता है, तो डिपेंड होता है ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर फोर, अ प्लांट पैरासाइट इज, तो प्लांट पैरासाइट कौन सा होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बाय विच ऑर्गन डज अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन गोज ऑन इन अमीबा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है इन विच ऑर्गनल्स, इन विच ऑर्गनल्स डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर ये सेवन था, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखिए। क्वेश्चन नंबर एट इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्ट प्रोटीन इन द डाइजेशन प्रोसेस इन स्टोमच, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी की सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, वेयर डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन देखिए और क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टेन इसमें है, क्वेश्चन नंबर है टेन, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमच ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर बारह इसमें कहता है हु हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉथ व्हेन एनी ऑर्गन इज कट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर तेरह, व्हाट आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लूम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम हार्ट नॉन एज, तो क्वेश्चन नंबर तेरह का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा सही, आर्टरी। क्वेश्चन नंबर चौदह, क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं आप, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन वेकल कैविटी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौदह था, क्वेश्चन नंबर हमारा पंद्रह है, क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए और बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सोलह, विच एंजाइम इज फाउंड इन स्टोमच, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर सोलह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सत्रह, क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए और बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सत्रह हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह इसमें कहता है वेयर डज द डिकम्पोजिशन ऑफ पाइरवेट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर अठारह, क्वेश्चन नंबर अठारह, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन ब्रेकिंग ऑफ एडीपी इन प्लांट रेस्पिरेशन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर उन्नीस है, ब्लड इज पम्प्ड टू होल बॉडी फ्रॉम हार्ट बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर बीस, क्वेश्चन नंबर बीस का देखिए और इसका बताइए कौन सा ऑप्शन इसका, क्वेश्चन नंबर बीस का देखिए और इसका बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बीस है, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिश, तो कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर इक्कीस, द कंट्रेक्शन प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। तो ये था आपका 21 क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।